नहीं आपके साथ हम लोग घोषित कर चुके हैं कि 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री का यहाँ तक सवाल है, कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ तेजस्वी प्रसाद हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे और इसी दृष्टिकोण से हम लोग बिहार में समय जीतन मांझी मंत्रिमंडल में था मुख्यमंत्री के रूप में, उसके 8 MLAs को और उसके पहले 8 MLAs को 16 MLAs को विधानसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। अगर यही उदयनारायण चौधरी उस समय अध्यक्ष थे, अगर ये चाहते तो वो 16 की सदस्यता गायब नहीं होती और वो 16 की सदस्यता बनी रहती तो जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में बना रहे। उन्होंने कहा कि हम ये महागठबंधन की रैली है, इसमें तमाम जो महागठबंधन जिस तरह से आप कह रहे हैं उसमें लगता है कि देखिए हम लोग रंगा सियार का कहानी सुना है, हम लोग रंगा सियार का कहानी सुने हैं, तो उसके अनुसार अगर कोई बोल दे उसी से ही हितैषी हो जाए शेड्यूल कास्ट का और संविधान का, इसको मैं नहीं मानता हूँ। महागठबंधन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए तब सभी लोग बैठ करके तय करेंगे कि हम कितना चुनाव सीट पर लड़ सकते। हम अकेले नहीं है, महागठबंधन विचारों का अवसर को देखें, मतलब संभावनाएं बनी रहेंगी। राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है ही है कि उसमें गरीब के लिए, किसान के लिए, अकलियत के लिए, महिलाओं के लिए, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड के लिए, सबके लिए हम लोग जो निर्णय हुआ है, नियम हम लोग बनाने का काम मंत्रिमंडल में किया है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष